किसानों की झोने की फसल की लंबाई घट रहन करके सूबे के किसान परेशान हो रहे ने। खेतीबाड़ी विभाग भी इस नवी समस्या का तोड़ नहीं लभ पा रहा। कदे गुलाबी सुंडी, कदे चिट्टा मच्छर, कदे नकली कीटनाशक, किसानों दी मुश्किलां मुक्कण दा ना नहीं लै रहियां। फसलां ते मौसम दी मार लगातार पै रही है। नरमे दी फसल ते चिट्टे मच्छर ते गुलाबी सुंडी दी मार चलन तो बाद झोने दी फसल नूं लगी नवी बीमारी किसानां नूं परेशान कर रही है। जिला पठानकोट च झोने दी फसल दे बूटे लंबे नहीं हो रहे। ये बूटे लगभग 50% घट लंबाई तक ही पहुंच पा रहे ने। किसान परेशान ने। उन्हों का कहना है कि पहला कदे एहो जी स्थिति बनती नहीं देखी। ये तो पता चले ना भी कुछ थान पर है या कुछ नहीं। ये सारी पैली एक बूटा ठीक है, नाल का बूटा बैठा छोटा रह गया है, फिर दो बूटे ठीक ने, 10 बूटे नाल बह गए ने। ये तो पता चले ना भी सारे दे उस एरिया उन्ना का बूटा बैठा, बाकी बूटे ठीक हो, ये कुछ नहीं पता लगा। ये पहली बार इवें होया कि किन्ने साल हो गए तुहानू झोना लाउंदे नूं कि पहले भी इवें होया? पहली बार होया जी। झोना तो जब तक अं हो संभाली साढ़े फादर साहब खेती का काम, उस तो बाद अं जिस तरह करते आ रहे इदा ही, पर यह जी बीमारी है पहली बार आई है। जिला हुशियारपुर के प्रभावित किसानों ने दसिया कि यह बीमारी सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों च फैल चुकी है। उन्हें मुआवजे की मांग भी की है। ये 5 एकड़ चलाई है, समझ लो लागत की गल कोई 70-80 हज़ार रुपया खर्चा आ गया। तो मेरा ख्याल 70-80 पूरा नहीं करूँगा यो, तो इस करके अं सरकार को मंग कर रहे हैं भी सानू को मुआवजा दिता जाए। तो जोड़े बी बेचते हैं डुप्लीकेट बी बेचते हैं, ये ना सारा नुकसान जोड़ा जिमीदार सिर पर पैन दिया। हूँ मैं 5 एकड़ झोना लाया जोड़ा मेरा 70-80 हज़ार रुपया खर्चा आया, ठेका लहदा यदा, तो जोड़े होर अपनी नट भज जो भी आ वो खर्चा लहदा। तो ये मेरा ख्याल है कि 70-80 हज़ार भी रुपया पूरा नहीं करूँ। सरकार के नाल जो गल करते हैं वो अपना झग्गा चक के दिखा देंगे कि साडा खजाना खाली है, पर किसान कित्थे नूं जाऊ? जां तां साडियां फसलां दा इंश्योरेंस करन, बिना प्रीमियम तो इंश्योरेंस करन। इंश्योरेंस जिस तरह दूजिया बाहरलियां कंट्रियां दे विच हुंदा आ, सानू उहदी पूरी भरपाई जिहड़ी आ सरकारां करन, नहीं तां कोई साडा इहदा बनदा जिहड़ा मुआवजा देण। उधर ये बीमारी खेतीबाड़ी महकमे दे भी समझ तो बाहर नजर आ रही है। जिला खेतीबाड़ी अधिकारियों का कहना है कि सैंपलिंग करके PAU भेजी गई है। उन्होंने किसानों को विभाग के निर्देशों तो बिना कोई स्प्रेया ना करने की ताकीद की है। हूँ आपां इन्हां दी सैंपलिंग की है, डॉक्टर साहब ने सारे काफ़ी जगह तो सैंपल लैके आप जे रिसर्च स्टेशन है उत्थे भेजी है, तो PAU के साइंटिस्टों भी आप जो सैंपलिंग भेजी है भी थोड़ा देखो भी यदि रूट्स भी कंपेयर हैल्दी जो प्लांट है वो ये रूट्स काफ़ी घट है, ठीक है ना, ये रूट भी डिवेलप हो रही है कि ये थले कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया, वो साइंटिस्ट जेडे इनू मतलब स्टडी कर रहे हैं देख रहे हैं कि समस्या। तो थोड़े उदा ने मतलब इनू क्या है सानू डायरेक्शन आई चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर वालों भी तुम जी 0.5 किलो जिंक जी 33% है, 2.5 किलो यूरिया जो 100 लीटर पानी स्प्रे करो भी फिर ये थोड़ा बहुत जी है क्रॉप जी इंप्रूव कर। जो कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ कि ये बीमारी है जां कोई डेफिशिएंसी है जां इसके बारे में तो सैंपलिंग की गई है, तो वो जो सैंपलिंग है पौधों की वो यूनिवर्सिटी को निरीक्षण के इंस्पेक्शन के लिए भेज दी गई है। उसके बारे में जो भी यूनिवर्सिटी के माहर जो बताएंगे साइंटिस्ट जो भी हमें गाइडलाइन देंगे उसके बारे में हम किसानों को बताएंगे और प्रैक्टिकल उसका कराएंगे। फसलों की कट लंबाई ते झाड़ करके किसानों च निराशा पाई जा रही है। जरूरत है कि प्रशासन जल्द इस बाबत कोई ठोस हल कढे ता जो किसानी ते आया संकट टालिया जा सके। पठानकोट तो अजय महाजन ते हुशियारपुर तो रमन खोसला दी रिपोर्ट, जी मीडिया।